गुड गाइस, वेलकम टू माय चैनल हार्दिक सुखमीत राय ब्लॉग्स। अभी करीब करीब 1:45 हो चुके हैं, तो आज का प्रोग्राम था कुछ कहीं जाने का। हार्दिक और सुखमीत राय यहाँ मेरे पीछे बैठे हुए हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं टीवी का। पूजा अपना बाहर काम कर रही है। तो अभी गाइस स्पेशल एक जगह पर जा रहे हैं, वहाँ का मैं बताऊँगा नहीं, देखते हैं सारा दिन आपको। आज एक अच्छी जगह, मैं भी पहली बार वहाँ पर जा रहा हूँ, तो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कुछ रोमांचक। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपने दोस्त के घर, एडवोकेट राणा के घर। तो बैठे हैं यहाँ पर, थोड़ी देर में चलते हैं कहीं घूम कर आते हैं। गाइस अभी हम राणा जी के साथ घर से निकल चुके हैं और अब हम जाएंगे गुरदासपुर की तरफ और बताते हैं आपको आज कहाँ जाना है। हमारे प्रिय मित्र आ रहे हैं, जंपी भाजी जो हमारे साथ जाएंगे, बात करा रहे हैं। ये टीचर हैं। आ गया हो वही अगे आओ वही नहीं। अब हम दीनानगर आ चुके हैं और अब हम जाएंगे यहाँ पर कथलोर, तारागढ़ रोड पर आ चुके हैं और कथलोर जाएंगे अब। और बड़ा एक प्यारा जंगल है, पंजाब सरकार की तरफ से 2000 एकड़ में बनाया गया है। और इस जंगल की खास बात है कि आपको 20 रुपए में एक साइकिल दे दी जाती है और साइकिल में आप जंगल में जाते हो। तो करेंगे हम, मिलेंगे गाइस। ये हमारे कुछ मित्र, हमारी वेट, ये हमारे मित्र हैं यहाँ पर खड़े हुए और ये पीछे जंपी भाजी हमारे। हम खा रहे हैं टिक्की के साथ चने, हमारे उधर तो खाते हैं समोसों के साथ, पर इसका भी टेस्ट अलग ही है। मजा आया जो राणा जी, मजा ना, और साथ में चने मजा आया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ जंगल यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अभी हम, ये देखो गाइस काफी लोग आए हुए हैं, तो जाते हैं आपको भी दिखाते हैं। अभी 20 रुपए पर बंदे की एंट्री है और 5 बजे तक एंट्री है, उसके बाद यहाँ पर एंट्री नहीं होती। आगे इस जंगल में 7-8 किलोमीटर आप आगे जा सकते हो। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में पड़ता है, आई थिंक शायद ये पठानकोट में पड़ता हो, क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट चेंज हो चुका है। और बहुत ही अच्छा नज़ारा गाइस, लोग काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पर। तो मेरे को नहीं मालूम था यहाँ पर भी इतना बढ़िया पिकनिक स्पॉट है, जंगल है जो 8-10 किलोमीटर एंटर कर सकते हैं। ये साइकिल है पीछे, ये साइकिल किराए पर मिलते हैं, इनका भी करते हैं अभी कन्फर्म ये कितने पैसे में देते हैं। बच्चे काफ़ी हैं, आज तो मैं पहली बार आया हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो नेक्स्ट टाइम अपनी फैमिली के साथ आऊँगा, सुबह आऊँगा। और खाना जो है आपको यहाँ से अंदर लेकर जाने नहीं देंगे, ये बोल रहे हैं। अगर खाना लेना है तो आपने खाना जो लेना है यहाँ से लेना है, और जो बाहर से लेकर आया है वो अंदर लेने के लिए अलाउ नहीं ये करते। ये पीछे बहुत ही खूबसूरत हट बनी है, तो अभी दिखाते हैं आपको पूरा यहाँ का नज़ारा। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने यहाँ से आकर कलेक्ट की है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको अभी बताऊँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर आकर बहुत एक पीसफुल माहौल दिख रहा है। तो अभी आपसे कुछ और भी शेयर करते हैं रिगार्डिंग दिस प्लेस। ये अभी स्टार्टिंग पॉइंट है इस जंगल का एंट्री के लिए, लोग यहाँ पर एंट्री करके आगे जा रहे हैं। ये मेरे पीछे भी है सारा ये जंगल का एरिया है, और ये मेरे पीछे एक छोटा सा कैफ़े है, ये कैफ़े है मेरे पीछे छोटा सा, तो अच्छा है ये भी। यहाँ पर छोटे छोटे जानवर हैं गाइस, जो जानवर होते हैं, जो छोटे जानवर हैं जैसे शेर चीता वगैरह, या कुछ बड़े जानवर होते हैं जो खूंखार होते हैं, वो तो नहीं है यहाँ पर छोटे जानवर काफ़ी हैं। जैसे ये मेरे सामने बोर्ड है बर्ड्स का, काफ़ी बर्ड्स है यहाँ पर, काफ़ी हिरन है, छोटे जानवर हैं जो आपको दिख सकते हैं। बहुत ही मज़ा, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारे घर के पास करीब 40-50 किलोमीटर के पास पंजाब में ऐसा जंगल है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मेरे फ्रेंड्स आगे जा रहे हैं, तो आपको अभी दिखाते हैं
ये जंगल की लोकेशन बिल्कुल कंप्लीट घना जंगल है गाइस, घना जंगल है ये आप देख सकते हैं कुछ जंगल का माहौल। यहाँ से हमने एंट्री की है अभी, और ये बिल्कुल घना जंगल है। यहाँ पर साइकिल भी मिल जाते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं साइकिल पर। तो ये देखो गाइस, ऐसे पंछी छोटे छोटे हैं जो बर्ड्स हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पर ज़रूर आएं कथलोर दीनानगर के पास, तो बहुत ही एक प्रिय और अच्छा माहौल की ये जो लोकेशन है यहाँ पंजाब में। हाँ जी गाइस, कुछ ऐसे जानवर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो बहुत अच्छी लोकेशन है। तो गाइस ये हमारे दोस्त हैं जो मजा ले रहे हैं। वाह वाह, ये देखिए कितना घना जंगल है। ये आगे लोग जा रहे हैं, वाह वाह वाह। वाओ, और रास्ते में कुछ ऐसे बीच बीच में जूम करके दिखाता हूँ, बैठने के लिए भी ये जो स्टूल्स बनाए हुए हैं। तो ये गाइस बहुत ही घना जंगल है, और 8-10 किलोमीटर है जो बोल रहे हैं यहाँ, रिसेंटली बता रहे हैं ये 8-10 किलोमीटर का एरिया है। देखो गाइस कितना प्यारा माहौल है यहाँ का। ये मेरे दोस्त आगे जा रहे हैं, कुछ फैमिलीज हैं। ये घना जंगल है बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल खुशबू है यहाँ पर, मिट्टी की, पौधों की, और डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ का माहौल है, हर चीज़ अपनी अलग से खुशबू दे रही है। वाह, यहाँ जंगल में करीब 2.5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और ये यहाँ एक फैमिली एंजॉय कर रही है, कुछ खा पी रही है। तो अभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल कर हम भी कहीं जगह पर बैठकर कुछ खाते हैं, तो उसके साथ साथ एंजॉय करते हैं। ये हमारे प्रिय मित्र टावर के ऊपर चढ़ गए थे, तो अभी नीचे आ रहे हैं, डर रहे हैं, ये बोल रहे हैं ऊपर कुछ नहीं है भाई, कुछ मत देखने आओ। तो क्योंकि कुछ ऐसा ही माहौल है जंगल का यहाँ पर। आजो आजो बस कुछ खाते हैं और कुछ एंजॉय करते हैं। जॉय दी लाइफ, छड के तुर गए ओ सनू मार के इस बीमारी। स्प्रिंग रोल्स, जीवन का आनंद है, मजा लो जिंदगी का, हर पल जियो। लोग मजा लेते हैं नशे में जाकर, तो कुछ ऐसा भी नशा लो गाइस, जंगल में आओ, एंजॉय करो। ये देखो कितनी प्यारी लोकेशन है गाइस। तो अभी हम कुछ समय के लिए 5-7 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। एक मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए, जो परमात्मा से हमारा मेल कर देती है। तो मेडिटेशन ज़रूर करें हम। यहाँ हमारे प्रिय मित्र राणा जी कुछ टाइम के लिए अभी मेडिटेशन करवाएंगे, तो अभी हम ये अपना फोन थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे, ठीक है जी। तू सकूं, तू सकूं।
यहाँ पर है इवेंट्स वगैरह जो भी एडवेंचर के लिए है, पाइथन ट्रायल। ये छोटी सी झील है आगे, ये भी आपको दिखाते हैं। खूबसूरत झील है छोटी सी जंगल में, इसका भी नज़ारा आपको दिखाते हैं अभी। वो बड़ी प्यारी सी लोकेशन है जहाँ पर ये जो हट बनी हुई है, यहाँ आपको अभी दिखाता हूँ सारा यहाँ हट का। तो ये एक छोटा सा रास्ता बना हुआ, क्या प्यारी चीज़ है गाइस। ये जो जिसे हम बांस बोलते हैं उसकी बनी हुई है। ये नीचे छोटी सी झील है, तो ये एक अच्छी सी लोकेशन है यहाँ पर गाइस। ये देखिए, और ये रावि दरिया का पानी आई थिंक इस तरफ से थोड़ा सा छोड़ा हुआ है। तो एक ऐसी लोकेशन है, ये मेरे दोस्त चंपी जी। तो ये देखिए गाइस, बहुत ही अच्छी लोकेशन है पंजाब में मेरे घर के पास। मेरे को तो ये मालूम ही नहीं था कि यहाँ इतना सुंदर लोकेशन है। तो मेरे उधर मेरे नज़दीक के जितने भी हैं, अगर जितने भी नज़दीक के हैं हमारे लोकल लोग, मैंने कभी किसी से नहीं सुना। ये मेरे दोस्त ऊपर अपना मनोरंजन कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा आ रहा है। तो मेरे को तो नहीं मालूम था यहाँ पर इतनी अच्छी लोकेशन, और जंगल भी है हमारे पास यहाँ रावि दरिया के पास कतलोर में। तो सच में बोलूँ ना, मज़ा आ गया यहाँ पर आकर। और अभी हमारे पास चाय है, चाय का आनंद लेते हैं जो हमने घर से बनाकर लेकर आए थे। पर चाय का आनंद लेते हुए जी साहब और ये हमारे सारे साथी एंजॉय दी लाइफ। चंपी पाजी पीछे, वाह। जाते जाते आपको ये यहाँ का कैफे दिखा देते हैं जो इस जंगल के बीच में। यहाँ आपको फास्ट फूड मिल जाएगा पाजी, की मिल जाएगा खान ली। इस वक्त इनके पास नूडल्स हैं। वैसे दिन में क्या क्या मिल जाता है? नूडल्स टिक्की, यानी पेट भरने के लिए आमलेट मिल जाएगा। पेट भरने के लिए यहाँ से अच्छा सामान मिल जाता है, बर्गर मिल जाएगा फास्ट फूड के लिए। तो प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर आएँ, तो इन्जॉय करें लाइफ का। देखिए कितनी प्यारी लोकेशन है। तो यहाँ जो एक फैमिली है खाना खा रही है, इन्जॉय कर रही है फास्ट फूड का। और ये जंगल के बीच में इतना मज़ा है, शांति है यहाँ पर। बट लोग यहाँ भी शराब पी रहे हैं जो मुझको ठीक नहीं लगा, बट चलो चॉइस है, पीने वालों ने पीनी है। मेरा राइट नहीं है कुछ उनके बारे में बोलने के लिए। तो ज़रूर आएँ गाइस, फैमिली के साथ आएँ, बच्चों के साथ आएँ, कुछ खतरे वाली बात नहीं है यहाँ पर। बड़ा अच्छा है सारा कुछ, कोई डेंजरस यहाँ पर नहीं है, डेंजर नहीं है। तो आएँ जब भी फैमिली के साथ आएँ, और कम से कम 3-4 बंदे ज़रूर आए, एक दो जाना मत आएँ, 3-4 बंदे ज़रूर आए यहाँ पर गाइस। गाइज अभी हम आए हैं गुरदासपुर में हनुमान चौक के पास। यहाँ फास्ट फूड की बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं। तो कुछ खाते हैं हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही खाएंगे, और आपको भी दिखाते हैं यहाँ का माहौल। यहाँ से हम खाएंगे सोयाबीन चाप। ये जो तवे वाली केड़ी है, वो तवे वाली मसाला चाप, वो मसाला चाप है तवे वाली। और ये इधर जो है, हाँ जी, बहुत ही प्यार से बना कर देंगे। ये खाते हैं अभी आपको, ये सामने हनुमान चौक। कुलचे एक साथ 90 रुपए की, और सिंपल फिर 80 रुपए की कुलचे। ये भी टेस्ट करते हैं। और उधर हमने ये दो लगाई हैं, तो बहुत बढ़िया लग रही है देखने को। अभी खाकर देखते हैं इसको। ये मसाला चाप है, मसाले का थोड़ा थिकनेस काफ़ी अच्छी है।
तीखा भी है, खाना भी खा सकते हैं उसके साथ, ये कुलचा भी देते हैं। अच्छा टेस्ट है राणा जी, क्रीम क्रूम पा रहे माड़ी माड़ी, बहुत बढ़िया। ये है मलाई चाप, इसका भी टेस्ट करते हैं आपको बताते हैं अभी। ये है दूसरी वाली बहुत ही बढ़िया है। तो राणा जी चाय बहुत स्वाद है जी, माँ के हाथ की चाय का आनंद ही और है, और खासकर जब आप सफर में होते हो तो घर की चाय का क्या कहना है, तो बड़ा आनंद है जी। बिल्कुल, चाय का मजा अपना ही है, और चाय पीते रहेंगे सफर करते रहेंगे। घर जाकर मिलते हैं अभी। अभी मैं घर आ गया हूँ, आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर ऑन माय यूट्यूब चैनल हार्दिक सुमित राय ब्लॉग्स। इसी के साथ आ गया ये ब्लॉग, मैं एंड करते हैं। गुड बाय गाइस, थक गया हूँ।